नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पंजाब में बीजेपी नेताओं को किसान आंदोलनकारियों के विरुद्ध के चलते बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को पटियाला जिले के राजपुरा यूनिट के कई नेताओं को दोपहर के वक्त बंधक बना लिया गया था, जब किसान आंदोलनकारियों की भारी भीड़ पार्टी के एक नेता के घर के बाहर आ डटी। ये भीड़ बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रही थी, इसके चलते बीजेपी के नेताओं के घर में ही कैद रहना पड़ा। और आखिर होम मिनिस्टर और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के दखल के बाद सोमवार को सुबह 4 बजे निकाला गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 21 वर्षीय लड़की और 19 वर्षीय लड़के को ये देखते हुए सुरक्षा प्रदान की कि दोनों बालिग होने के कारण लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के हकदार है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता बालिग होने के कारण लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के हकदार है, इसीलिए प्रतिवादी नंबर 4 और 5 से किसी भी नुकसान के खिलाफ अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की भी हकदार है। इस युगल ने लड़की के परिवार से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। लड़की का परिवार किसी अन्य के साथ उसकी शादी कराना चाहता है। दंपति को कथित तौर पर उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का मामला था क्योंकि लड़के की उम्र 19 वर्ष है, लेकिन उसने शादी के लायक उम्र प्राप्त नहीं की है। विवाह योग आयु प्राप्त होते ही दोनों का विवाह हो जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एन के तहत आयकर विभाग को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS एकत्र करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मोहम्मद निजामुद्दीन उस प्रावधान की सांवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुना रहे थे। याचिका में वित्त अधिनियम 2019 जो 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो गया था को चुनौती दी गई थी। प्रावधान में 2% की दर से टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स TDS अन्य बातों के साथ साथ एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक कंपनी से नगद निकासी अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना का लाभ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली BCD में रजिस्टर सभी वकीलों को मिलेगा, भले ही वो दिल्ली में मतदाता हो या नहीं। जस्टिस प्रतिमा MCA ने कहा कि प्राथमिकता वकील के निवास स्थल के बजाय इस बात को दी जाएगी कि वो वकालत कहां से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भले ही कोई व्यक्ति दिल्ली में वकालत करता हो, लेकिन हर कोई यहां रहने का खर्चा वहन नहीं कर सकता। अदालत ने ये भी माना है कि दिल्ली में वकालत करने वाले और राष्ट्रीय राजधानी में क्षेत्र NCR में रहने वाले वकील यहाँ न्याय दिलाने में भूमिका निभाते हैं। सुपरस्टार से राजनेता बने रजनीकांत ने अब राजनीति से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला ले लिया है। रजनीकांत ने सोमवार को अपने बनाए राजनीतिक संगठन रजनी मकल को भी भंग कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि अब भविष्य में फिर से राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। इससे ये साफ होता है कि सुपरस्टार रजनीकांत ने अब राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया है। रजनीकांत ने कहा कि ये मंच अब कल्याणकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रजनी रसीगर नरपानी मद्रम के रूप में कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे सांप्रदायिक हैशटैग और इस्लामोफोबिक सामग्री के खिलाफ दायर एक याचिका को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को नए IT नियम 2021 सूचना प्रौद्योगिक मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 को पढ़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। याचिका ट्विटर पर ट्रेड कर रही हैशटैग के मद्देनजर दायर की गई थी।
जिसमें मार्च 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुई तबलीगी जमात की बैठक को कोविड के आलोक में सांप्रदायिक रूप दिया था। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।